वेलकम बैक टू जागो दुनिया वेक अप पाकिस्तान। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ है मलिया। और इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही सीरियस पर्सनालिटी हैं, जनाब सलमान साकिब साहब, और उनके साथ उनसे उनकी भी बेगम ज्यादा है सीरियस पर्सनालिटी मिसेस हिरा साकिब। मेरे ख्याल में कैमरा कट कर दें ताकि लोग इनसे मिल सकें। ओ बहुत खुशी हुई मुझे इस शो में आके, हाँ और इससे सेम पहले डॉक्टर हियर। सदाकत आए हुए थे जी जी और मैं उनका पेशेंट रह चुका हूँ। मैं भी मानी हमारे साथ मौजूद है जी, द फेमस मानी। एंड आई एम श्योर बहुत से लोग जो हैं वो असफर मानी को एक इंसान समझते हैं, हालांकि दो इंसान दोनों इंसान है, दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल है। अक्सर लोग इंसान नहीं समझते। मजे की बात ये भी, डॉक्टर सदाकत ये सदाकत क्लिनिक के जो आए थे उन्होंने एक बात कही फारूक को, उन्होंने कहा कि भाई मानी मुझे अच्छा लगता है, तो इन्होंने शक किया फौरन। नहीं नहीं, ये देखिए एक होस्ट की फितरत। अरे ये बिल्कुल सीरियस बात है कि अभी उनका खत्म हुआ, इन्होंने ब्रेक ली तो उठने लगे, तो मैंने क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जी हमारे साथ होंगे मानी, तो मुझे कहते हैं ये वो मानी एक्टर जो है बड़े, उन्होंने इस तरह से पूछा ना, एंड ही एक्चुअली आस्क्ड हिम, बड़ी सीरियसली उन्होंने पूछा कि ये क्या बात, मतलब जैसे पसंद करते हैं। तो मैंने एकदम, मैंने कहा क्यों, ये आपके पेशेंट रह चुके हैं? नहीं नहीं नहीं, पेशेंट नहीं, मैं वैसे आई लाइक, ये एक बेहतरीन मॉर्निंग शो होस्ट की निशानी है कि वो गॉसिप करे। इसको पता हो कि कोई अगर रिहैब से भी आ रहा है तो उसको पता होना जरूरी है। अच्छा जी, मानी के बारे में ये चीज़ मैं आपको सर्टिफाइड कहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी जो लोग ज़्यादा कॉमेडी प्रोग्राम्स करते हैं या बड़े हंसमुख आपको टीवी पे नजर आते हैं वो आम लाइफ में बहुत सीरियस होते हैं। मानी को मैंने कभी सीरियस नहीं देखा, ये माशाल्लाह जिंदगी में, आम जिंदगी में भी उतना ही हंसमुख है, एंड सो इज़ असफर ऑल्सो। एंड आई एम श्योर कि जब आपके असफर से भी मुलाकात होगी हम बुलाएंगे यहाँ पे, तो आपको ये बात अच्छी तरह पता चलेगी। मानी, आपने जब प्रोग्राम शुरू किए, टीवी पे शुरू किया होस्टिंग, दैट वाज फ्रॉम अ रोड शो इफ आई रिमेंबर, कि सड़क पे जाके इंटरव्यूज, और उस वक्त जमाने में बड़ा नया कॉन्सेप्ट था, अब तो काफी ज्यादा कॉमन हो गया। हु कंसीव्ड दैट आइडिया, वाज इट योर आइडिया, एंड हाउ डिड यू एक्चुअली गो अबाउट इट? मैं बहुत अरसे से लिख रहा था, ओके, राइटर था, फिर मैं असिस्टेंट था, फिर मैं फारूक मेंगल के साथ काम करता था, कभी मैं एहसन रहीम के साथ, ज्यादातर मैं एहसन रहीम के साथ काम कर रहा होता था। एहसन रहीम जो बहुत बड़े डायरेक्टर वाले, उल्टा सीधा वाले नहीं, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसे वही कमाते हैं माशाल्लाह से। अगर लीगली कोई बंदा सही पैसे कमा रहा होगा तो एहसन रहीम होगा, लीगल तरीके से जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता होगा पाकिस्तान एड्स बना के। एहसन के साथ हम काम करते थे, एहसन भी बेचारा एक उस वक्त स्ट्रगलिंग टाइम था, हमारा भी स्ट्रगल, हम भी कर रहे थे उस जमाने में। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे और मैंने अंदाजा लगाया जो मैं लिखता हूँ वो कोई सही बोल ही नहीं पाता, क्योंकि मैंने कई लोग जो बेशुमार अब भी जो फेमस लोग हैं उनके लिए भी लिखा। अली सलमान थे उसमें, फखरे आलम के लिए हमने एक प्रोग्राम किया, मैं हमेशा वो उनकी टाइप का नहीं था, वो मेरी टाइप का था। okay. और फिर एहसन ने मुझे मशवरा दिया, कहता है तू खुद क्यों नहीं करता, जब ये तू सब बोल भी लेता है, तू टीवी पे भी आता है, थिएटर में करता था, एक्टर मेरे अब्बा 64 से हैं, साकिब शेख जो हैं वो टेलीविजन खुदा की बस्ती, तो कॉफी हाउस उनके बहुत सारे ड्रामा, तो हमारे खून में एक्टिंग वैक्टिंग तो है ही है। मैंने हमेशा डिनाइल में था, मैं यार ये तो मुझे आता ही है, एक्टिंग वैक्टिंग तो कर ही लूंगा, तो ऐसा काम करूं जो पहले नहीं हुआ। लेकिन ये रोड शो का आइडिया मेरा भी था और मकबूल एक होते मेरे साथ उनका था, और उस जमाने में रोड शो जो था वो 5 मिनट का स्लॉट होता था किसी भी प्रोग्राम का, तो मेरा आइडिया ये था कि यार इसको पूरा 20 मिनट का बना दो, एक प्रोग्राम में तो होना चाहिए ना, बिल्कुल। रोड शो का स्लॉट था नहीं, और उसके बाद से लेकर अब तक मैं, हमें हर चैनल पे एक रोड शो तो आता ही है, एक मानी तो आता ही है, मतलब एक मानी जरूर फ्रेंच बियर्ड होती है या जो कैप लगा कर, कैप लगाया होता है। अच्छा, मानी का एक बड़ा जबरदस्त स्टाइल है, मानी बात कर रहा होता तो देख के जरा वो मेरी खामी थी बेसिकली। शुरू में आया था तो मुझे, मेरे अटेंशन स्पैन जीरो है, हीरा मुझे कोई बात कर रही होती है मुझे याद नहीं रहती, आप मुझे कुछ कहेंगे थोड़ी देर बाद मैं भूल जाऊंगा क्या कहेंगे, आप मुझे कुछ कहेंगे तो मुझे याद रह जाएगी। लेकिन ये है कि आपकी सास हमारे साथ लाइन पर है, वो बता, उनकी बात याद रहेगी? हाँ नहीं, बिल्कुल भी याद रहेगी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हो हीरा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ ठीक ठाक, बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देख रही हूँ। मेरी माँ, I love you जी। मानी, मानी भी बैठे हैं आंटी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, यू हैव गॉट अ ग्रेट सन इन लॉ जी माशाल्लाह, और ये इतना लोगों को चेहरों पे उनके मुस्कुराहटे बिखेरता है, और आजकल मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, इस जैसे और हमारे पास जो है ना कम अज कम 150-200 मानी और होने चाहिए तो मेरा काम थम जाएगा। अच्छा, कैसा कैसा ये दामाद है, कैसा सन इन लॉ है, मतलब कि आपके साथ भी मजाक मजाक छेड़छाड़ करता है या आप सीरियस रहता है आपके सामने? बहुत कम करते हैं, पेटों पे भारी है माशाल्लाह हमारे दामाद, हम सबको जान से ज्यादा अजीब है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लेकिन आपकी भी मतलब फैमिली में ससुराल में जब ही जाते हैं तो वहाँ भी हंसाते रहते हैं इसी तरह या वहाँ सीरियस होकर बैठते हैं कि मैं मानी हूँ? वो जो मेरे साले हैं वो क्योंकि
मेरे हाइट के बराबर है, हम उम्र तो नहीं कह सकते, छोटे हैं मुझसे, लाइक तो उनके कपड़े मुझे आ जाते हैं बेसिकली, तो आप उनके, तो हम एक्सचेंज करते रहते हैं कपड़े आपस में। अच्छा। मेरे भाइयों के साथ भी मेरा यही है, हम लोग टीवी पे आते हैं, मैं मुस्तकिल चार दिन तो आता हूँ टीवी पे, सात में से चार दिन, और हमारे यहाँ ये एक फ्रेंड है कि कपड़े जो है औरतों के तो बन जाते हैं, मर्द बेचारे जो है फारूक खुद अपने लेके आया होगा, लड़की के बन जाते हैं, एब्सोल्युटली ट्रू, लड़की के भी नहीं बने अभी। अच्छा, लड़की भी अपने पास लेके आ रही है, चल सही, सॉरी यार। कैसे, हाउ डिड यू नो, बस रॉबी की पार्टी में हम मिले थे, रॉबी की पार्टी में, रोड शो पे ही देखा हूं, नहीं नहीं, रोड शो पे नहीं, मानी की फैन थी, नहीं नहीं, मैं बताता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, मैं आज बता ही दूं, क्योंकि मैं हर दफा नई कहानी बनाता हूं। वो हुआ ये था कि मेरी एक दोस्त थी जिनसे मानी को प्यार था, प्यार था, जब मैंने उनको देखा तो मुझे उनसे मोहब्बत नहीं रही, और उनकी दोस्ती जो की गई है बेसिकली, तो बेसिकली वो कहीं पिक्चर में नहीं है, मुझे पता भी नहीं वो है कहाँ पे, और ये है, मैं वो माशाल्लाह से एंगेज है, और उनकी भी शादी होने वाली है, अल्लाह खैर कर। आपके एक दोस्त जो है वो लाइन पे, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने मेरा नाम बता के गड़बड़ की, वरना मैं असफर बन के इससे कहता कि क्यों बोल रहा है कि मेरे काम नहीं किया। लेकिन फैसल भाई, मैं आपकी आवाज लाखों में पहचान लूं, लाखों में। हाँ मुझे पता है ये नई प्रमोशन का नाम है लाखों में, एक्ट कर चुके हैं, जितनी मैं टोने बना सकता हूँ आवाज में, सब में मानी मेरे साथ था, उसको मेरी सारी टोन का पता है, तो मैं कुछ चेंज करके भी नहीं बोल सकता। असफर के बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो तुम्हें नहीं पसंद। असफर भी मानी के बारे में, आप मानी 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 के बारे में, तो इतना ज्यादा ब्रांड है ना, असफर मानी बन गया भाई, तो मानी है। हाँ, मानी मानी के बारे में मुझे ये नहीं पसंद कि इसने लेटली एक चीज शुरू की है कि मेरा फोन नहीं उठाता। हाँ, बाय द वे सालों फोन करता रहता हूँ, एक हफ्ता नहीं है ना, एसएमएस का जवाब देता है, और डेढ़ साल बाद कहता है हाँ उस दिन मैं शूट पे फंस गया था। आखिरी फैसल भाई, वो फैसल नईम से आदत पड़ी, एक साल में कॉल करता हूँ वो नहीं बताता, फैसल नईम से आदत पड़ गई मुझे। हसन रहीम की जो है ना एक बुरी आदत ले ली है, यही आदत मुझे हसन रहीम की भी बुरी लगती थी, जो कि मानी ने अभी अभी की अच्छी बात है कि सुबह अगर हम लोग तो लेट उठने वाले, यार ये लोग फोन नहीं उठाते और जवाब नहीं देते, लेकिन लास्ट चार फोन आपके लगातार उठाए कंसेक्यूटिव। हाँ, लास्ट एक दिन मतलब ये कल परसों से कुछ मसला हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रही क्या मसला है, ये पसंद नहीं है उन्हें, ये मसला है। अच्छा, ये हुआ ये कि फैसल कुरैशी क्या उठने का टाइम है सुबह 8 बजे, हमारा है सुबह 1 बजे, ठीक है, दोपहर 1 बजे, ये बड़ा फर्क है दोनों के टाइम में। और ये जो है सुबह 8 नहीं, मेरा आजकल 6 हो चुका है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। देखो मानी, फैसल भाई प्लीज मानी को भी कुछ सिखाए ना उठने का। आप सिखाने के लिए टीचर इतनी बड़ी, मैं तो खुद 2 बजे उठती हूँ, मैं कैसे सिखाऊं, आपको टिप्स जरूर दे सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। ये लोग 8 बजे सो जाते हैं, हम लोग सुबह 8 बजे सोते हैं, ये अच्छा, ये रात को 8 बजे फैसल सो जाते हैं, हम लोग सुबह 8 बजे सोते हैं, क्या बात। नहीं नहीं, मैं 8 बजे नहीं सोता, मैं नॉर्मल टाइप पे 12-1 बजे। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि आपने पहले शो किया ये असफर मानी शो रेडियो से स्टार्ट किया ना, एंड देन यू टुक इट टू द विजुअल मीडिया, ये ऑडियो से विजुअल मीडिया तक आते आते ये किस तरह से हुआ? हुआ ये कि ये शो मुझे ऑफर हुआ कुछ अर्से पहले, और ये बैन भी हुआ पहले FM 96 पे चलता रहा, फिर वहाँ बैन हो गया, फिर एक दो और स्टेशन पे चला, देन इट गॉट बैन टू, एंड देन यू टुक इट टू द विजुअल मीडिया व्हिच वाज कराची में एक पॉइंट पे ये सबसे हिट शो था रेडियो पे, मतलब कराची में अगर कोई 2 करोड़ आवाम है तो करोड़ लोग हो सकता है सुन रहे हो वो शो, इतना ट्यून इन थे शो से, बहुत ज्यादा सुनते थे शो, और फिर इसी वजह से ये शो जो है वो हमने आग पे करना शुरू कर दिया असफर ने। मैंने असफर की मेरी इस तरह की थी कि मैं हम लोग बैठते हैं तो वो चीज़ें खुद खुद ही क्लिक कर जाती हैं, जैसे हिरावा में तो हम लोग एक साथ हमारी केमिस्ट्री मैच करती है, असफर मेरी दूसरी बीवी है बेसिकली लगता है, ऐसे शादी ना करता तो अजीब इल्जाम भी लगते, लेकिन ये कि असफर के साथ मेरी वो होता है कि असफर के साथ बैठता हूँ मुझे बता कि यार कर ही लेंगे, असफर को भी अंदाजा है कि मानी है तो कर लेगा, मुझे होता है कि असफर है तो कर लेगा खत्म, तो समा वो एक, और फिर हम दोनों मिलके बड़े डेडली हो जाते हैं बाय द वे, बहुत से जो सेलिब्रिटीज हैं वो बहुत लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि कई सवाल जो असफर अकेले बैठ के पूछ ले नहीं सकता, या मैं किसी के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ फारूक का, हो सकता है मैं नहीं इस तरह खोल के पूछ पा रहा हूँ, जब हम दो होते हैं तो वो फिर बड़ा तो वो एक शो था जो कि यूथ में पसंद किया जाता है, यंगस्टर्स देखते हैं बहुत शौक से, और अब ये है कि अब हमने इसका एक और लेवल लेके आए हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन समाओ अब मैं वो शो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रायोरिटी होगी प्रोडक्शन करना, ड्रामे बनाना, तो मेरा जो ड्रामा है वो जरूर देखिएगा जितने भी लोग हैं, हम देखेंगे, जरूरी की
जागो जागो।